Welcome to Krishna Coaching Center. I am your mathematician teacher. And here in part 2, हमने पढ़ा है सेट का रोस्टर फॉर्म, कि हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और सेट को मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. सेकेंड है बेटा इसका सेट बिल्डर फॉर्म. सारे बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म को देखते ही घबरा जाते हैं, ये क्या चीज है, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है. देखिए वो देखने में अजीब सा लगता है लिखा हुआ क्या, लेकिन बेटा सेट बिल्डर फॉर्म बहुत इजी है, हम इजी वे में पढ़ेंगे. देखो कैसे. सबसे पहले बेटा पहला पॉइंट इसका, सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, अपने डाटा के अंदर से कॉमन टाइप. बस सारा फोकस इस पे होता है बेटा कि कॉमन टाइप क्या है. कैसे, देखो हम अपना एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बॉबल्स का. मैंने आपको 5 बॉबल्स दे दिए. कितने बॉबल्स दे दिए बेटा, 5 बॉबल्स. ठीक है, अब इन 5 बॉबल्स की कौन सी फॉर्म लिखनी है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म. तो आप क्या करोगे, आपने कोई भी एक लेटर ले लिया, सपोज करो ए ले लिया, क्योंकि आपको पता है सेट रिप्रेजेंट होता है कैपिटल लेटर. कर्ली ब्रेसेस लगा ली क्योंकि हमें सेट लिखना है. अब सबसे पहले इसका मुझे कॉमन टाइप बताओ. कॉमन टाइप मतलब बेटा कि जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर, जो भी आप डाटा दे रहे हो, जिन्हें हमें एलिमेंट्स बनाना है, वो एलिमेंट्स का टाइप क्या है, क्योंकि सबका सेम टाइप होना चाहिए सेट बॉर्डर बिल्डर फॉर्म के लिए. तो ऐसा नहीं कि यहाँ हम कॉन्सोनेंट और वोवल का साथ में सेट बनाएंगे, नहीं. तो इसमें कॉमन टाइप क्या है, ये क्या है, ये है वोवल्स. क्या है, आपने क्या पहचाना, ये वोवल्स ऑफ अल्फाबेट, वेल डिफाइंड. तो इनका टाइप क्या हो गया बेटा, वोवल्स. तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उसे किसी भी एक स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमने कोई भी ले लिया, हमने सपोज करो एक्स ले लिया, हम यहाँ एक्स की जगह वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इससे डिफरेंट होना चाहिए थोड़ा सा. ठीक है, उसके बाद हम क्या लगाते हैं बेटा, कॉलन. क्या लगाएंगे, कॉलन. और यहाँ पे ये जो हमने x लिया है इसका कॉमन टाइप लिखेंगे. कॉमन टाइप हमारे डाटा के अंदर क्या है, x इज अ वोवल्स. x यहाँ पे क्या है, वोवल्स है. ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है. रीड कैसे करते हैं इसको, ये कॉलन को क्या बोलते हैं बेटा, सच. तो x such that x is a vowels, तो it is a set of vowels. तो ये क्या कहलाता है, set of vowels. तो हमें क्या करना है, सारी चीजें पढ़ चुके कि ये कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है, कर्ली ब्रेसेस में होता है, अंदर कैसे लिखते हैं. अब हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको सेट बिल्डर को पूरी तरीके से एकदम समझ में आ जाए और किस तरीके से लिखना होता है वो देखें. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है. अब हम लेते हैं बेटा एग्जाम्पल 2. जितने ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. देखो मैंने आपको डाटा दिया बेटा, नेचुरल नंबर्स दे दिए. क्या दे दिए, नेचुरल नंबर्स. कौन कौन से दे दिए, 2, 1, 2, 3, 4, 5 और 6. ठीक है, अब मैंने कहा इसका आप सेट बनाओ. रोस्टेड फॉर्म में आप पार्ट 1 में बना सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसका कैसे बनाएंगे. सबसे पहले ये बताओ ये टाइप क्या है, ये टाइप क्या है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या है. देखो यहाँ पे क्या है ना, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी कि इस डाटा को ये समझना पड़ेगा ये है क्या. तो ये डाटा यहाँ क्या है, ये नेचुरल नंबर्स है. क्या है ये, नेचुरल नंबर्स. क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई भी टाइप नया उठ के आएगा, कुछ नहीं आएगा, जो आज तक पढ़े हुए आए नेचुरल नंबर, होल नंबर, मल्टीपल्स और आपका डिवीजन, जो भी कुछ आएगा सब कुछ आएगा, वो जो आपको पढ़ रखा है. बस आपको यहाँ थोड़ा सा सोचना है, और अगर आप इसके 40-50 एग्जांपल्स कर लेंगे तो सारे ही टाइप आप कवर कर लेंगे, फिर आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे इसका टाइप क्या है. तो इसका कॉमन टाइप क्या है बेटा, कॉमन टाइप इसका मिल गया हमें नेचुरल नंबर. ठीक है, और इसमें अगर मैं ये लगा देती हूँ, चलो पहले हम ले लेते हैं डैश डैश वाला, ऑल नॉन, ऑल नेचुरल नंबर. कौन से नेचुरल नंबर है, ये सारे नेचुरल नंबर. अब इसका हम क्या आपके सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो कितना आसान है. हमने एक अल्फाबेट ले लिया, कोई भी ले सकते हैं बेटा, ए से जेड तक. ठीक है, उसके बाद
एक स्मॉल अल्फाबेट लेना है जिससे हम इसका टाइप रिप्रेजेंट करें। हमने ले लिया एक्स कोलन और एक्स का टाइप लिख देंगे। एक्स क्या है, एक्स इज अ कलेक्शन ऑफ होल नेचुरल नंबर। अब देखो बेटा यहाँ पे कुछ बच्चे करते हैं यार, कोई कह रहा है मैंने लिखा एक्स इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, एक लिखना है x is a set of all natural number, तो क्या मैं उन्हें से याद करें, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। टाइप इसका all natural number है, यहाँ वो क्या कोई और use करें, collection set anything you can use, वो गलत नहीं है। main बात है कि आप इसका टाइप सही लिख रहे हो। टाइप सही लिख रहे हो तो आपने इसका देखो, ये मैंने एक आपको डाटा दिया 1 2 3 4 5 6, आपने टाइप पहचाना, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ऑल नेचुरल नंबर भी डैश 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 लगा हुआ है और हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इजिली लिख दिया। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखो एग्जांपल नंबर 5, ठीक है, इसमें मैं लेती हूँ बेटा, मैंने आपको डाटा दिया नेचुरल नंबर, ठीक है 1 2 3 4 5 6, मैंने इसमें इनफाइनाइट नहीं दिए, ऑल नहीं दिया है, सिंपल इतने ही नेचुरल नंबर दिए हैं। तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, देखो हम इसको लिखेंगे बेटा, एक कोई भी ले लो, सी ले ले, कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि हमें क्या लिखना है, सेट, सेट हमेशा कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है। एक कोई भी हमने आपके, चलो वाई ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ एक्स वाई जेड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो एक वेरिएबल है जो किसी की वैल्यू होल्ड करे हुए है, किसी का टाइप होल्ड करे हुए है। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले इसका कॉमन टाइप बताओ क्या है, देखने से क्या लग रहा है, ये आपको देखने से क्या लग रहा है, ये है नेचुरल नंबर, क्या है बेटा ये नेचुरल नंबर, ठीक। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है क्या है बेटा, y इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन कंडीशन एक टाइप के साथ कंडीशन क्या आ गई बेटा, ये लेस देन क्या है, लेस देन 7, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, लेस देन 7, तो हमारा ब्रैकेट कहाँ बंद होगा, यहाँ पे, वहाँ पे, जगह नहीं है, लेस देन 7। तो इस तरीके से इनफाइनाइट में हमने ऑल नेचुरल, लेकिन ये ऑल नेचुरल नंबर नहीं है, ये हमने 6 पे रोक दिया, तो हम इसमें क्या कंडीशन डाल देंगे, लेस देन 7, ये क्या है, लेस देन 7, ठीक है। ये क्या है बेटा, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में एक एग्जांपल और लेते हैं, जिसे आप करने की कोशिश करना, उसका कॉमन टाइप करने की कोशिश करना। मैंने लिखा यहाँ पे, डाटा मैं दे रही हूँ आपको, ठीक है 2 4 6 8, मैंने कहा इसका सेट बनाओ, इसका सेट बनाओ सेट बिल्डर फॉर्म में। आप क्विक सोचिए 2 4 6 8 का कॉमन टाइप क्या है, क्या है ये है बेटा ऑल इवन नंबर्स। क्या है ऑल, क्यों लगा है बेटा, डैश 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 क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल नॉट फाइनाइट। तो ये इसका कॉमन टाइप क्या है, इसका कॉमन टाइप है बेटा इवन नंबर, ऑल डैश डैश में लगा है तो ऑल इवन नंबर, इसका टाइप क्या हो गया है, ऑल इवन नंबर। तो सेट कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, आपको बस टाइप ही तो पता चलना था हमें, हमने लिखा यहाँ पे एक्स कोलन सेट और एक्स इज ऑल इवन नंबर्स, बन गया सर। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसे आप बहुत जल्दी क्विकली करेंगे, देखो 1 3 और 1 3 5 7, बताओ इसका कॉमन टाइप क्या है, आया समझ में, कॉमन टाइप क्या है बेटा इसका, इसका कॉमन टाइप है क्या है, ये और डैश डैश लगा है और कौन से नंबर है, और नंबर। सेट बिल्डर फॉर्म बहुत आसान, मैंने ले लिया ये दो लगाई कर्ली ब्रेसेस, z ले लिया मैंने और z इज क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, ये सारे क्या है, सारे और सेट ऑफ और, अच्छा इवन ही था, और नंबर, ठीक। तो सेट बिल्डर फॉर्म इज वेरी इजी, जो आपको लिखा हुआ लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, कुछ नहीं बेटा, सिंपल रोस्टर फॉर्म में लिस्टेड भी करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में उसका टाइप लिखना होता है, यहाँ पे टाइप क्या है। तो आप मल्टीपल क्वेश्चंस कीजिए, मे बी आपको बताओ 50 क्वेश्चंस से ज्यादा सेट का टाइप, अगर आप 50 क्वेश्चंस का रिवीजन कर लीजिए कहीं से भी उठा के और उसको आप इस तरीके से उसका टाइप पहचानने की कोशिश करिए, क्योंकि ये तो लिखना तो सबको याद है, बस ये टाइप ही तो पहचानना है, तो सारे उसमें टाइप एक मिनट में पता चलेगा उसका टाइप, लेकिन सिंपल सेट बिल्डर फॉर्म
और उसको पढ़ना, उल्टा पढ़ना आपको आइडिया, अच्छा x है, x इज ऑल इवन नंबर, इससे इसको बना सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 3 4 अभी हमने उसका, और अभी क्या करना, मैंने 2 3 4 आपको क्वेश्चंस बताए हैं, इन सब का मैंने बेस पढ़ा दिया आपको। आप एनसीईआरटी लो, क्वेश्चंस 2 3 4 निकालो, सारे क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। अगर पार्ट 1 2 3 आपने देखा तो आप पूरी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, लेकिन मैं नेक्स्ट पार्ट में खुद भी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी। So thank you for watching me. Please like, share and comment my channel. Thank you.